हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे कृष्णा, कैसे हो आप सब? तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि आपको पिछले ब्लॉग में पतिदेव ने बताया था कि अम्मा जी का पितृमेला था पिछले कल, तो पितृमेले के दिन सभी लोग बहुत ही ज़्यादा भावुक थे, इमोशनल थे। ये कोई खुशी वाला दिन तो नहीं था, लेकिन अम्मा जी को सारे यहाँ पर याद कर रहे थे। तो हमारे यहाँ पर ये रीति रिवाज भी मनाया जाता है कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसके तीसरे साल में ये इस तरह का पितृमेला किया जाता है। तो घर की सारी बेटियां भी आई हुई हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बेबी दीदी भी यहाँ पे अम्मा जी के पितृमेले में आए हुए हैं। और आजकल श्राद्ध का टाइम भी चला हुआ है, आप सभी को पता ही है। तो बहुत सारे मेहमानों को बुलाया गया है, जो जो भी हमारे रिश्तेदार थे। फिर यहाँ पे खान पान वगैरह भी किया जाएगा, जो भोजन वगैरह बनाया जाएगा उसको सभी बेटियों सभी रिश्तेदारों को खिलाया जाएगा। और ये करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एक रीति रिवाज है और इसको पूरा करना ही होता है। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं अभी नीचे वाले घर, यानी बड़े पापा ये पितृमेला कर रहे हैं। तो बड़े पापा के घर में ही सब प्रोग्राम होगा, तो पापा जी भी नीचे ही हैं और उनकी हेल्प कर रहे हैं। मम्मी जी भी गए थे, लेकिन थोड़ा सा दूध वगैरह घर को लाना था तो तभी आए हुए थे, फिर रेडी होकर चल दिए। तो गांव वाले घर का रास्ता कुछ इस तरह का है, तो बहुत ही संभल कर जाना पड़ रहा है। तो मैं भी बहुत दिनों के बाद आज नीचे वाले घर जा रही हूँ, तो मैं यहाँ पर जाती ही नहीं हूँ। मम्मी जी और पापा जी ने मुझे यहाँ जाने से मना किया है, क्योंकि रास्ता फिसलन भरा है, तो यहाँ जाने से डर ही लगता है। तो मैं कभी नहीं जाती यहाँ पे, लेकिन आज तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं संभल संभल कर जा रही थी। तो ये हैं देवर जी, तो देवर जी भी आए हुए थे। तो ये हैं बड़े पापा जी की बेटी, जिनको आपसे मिलाया भी था, तो पतिदेव ने पिछले ब्लॉग में बताया भी था। तो इनकी शादी जहाँ पे मेरा मायका है उसी के साथ एक घर है वहीं पे हुई है, तो ये मेरे भाभी भी लगते हैं। तो हम लोग गए हुए थे फंक्शन में, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का प्रोग्राम किया जा रहा था, तो सारी फैमिली इकट्ठा होकर सभी इंजॉय कर रहे थे। तो हालांकि हम लोगों ने दादी माँ को भी मिस किया। तो ये कुछ रीति रिवाज हैं जो यहाँ पे कर रहे हैं। तो पितृमेले के दिन इस तरह का किया जाता है। तो ये देखिए खान पान जो भी है, तो यहाँ पे कुछ निमंत्रित वगैरह भी मनाए जाते हैं, वो इस खाने को ग्रहण करेंगे और साथ में इस तरह का सामान भी रखा जाता है, दिया जाता है, ताकि हमारे बुजुर्गों को जिनकी डेथ हो गई है उनको किसी भी प्रकार की आगे कोई भी कमी ना हो। प्रजापते भगवान के लिए नमस्कार करोमि, हरि ओम स्तुते पात्र ब्रह्मस्याय अमुकमस्कार प्रजापते भगवान के लिए नमस्कार करोमि, नमस्कार करोमि देवाय नमः। अब भोजन पात्रों में अंगूठे का स्वस्थ लावे हैं, अंगूठे का स्वस्थ लावे हरि ओम नम श्री अंकुष्टाभ्याम श्रेते अपना सुरक्षा।
तो ये सारा का सारा सामान बांधकर फिर पंडित जी को दे दिया जाता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे तो सारा सामान बोरी में भरकर रख दिया है और फिर पंडित जी जब खाना खाकर घर जाएंगे तो इसको भी लेके जाएंगे। ये है हमारे घर की तीनों बेटियाँ यानी मेरी तीनों ननद, तो साथ में ये बहुत दिनों के बाद मिले हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश भी हैं। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट चल रहा है इन लोगों का। तो ये है बड़े पापा का घर, हम लोगों ने अपने प्रीवियस ब्लॉग्स में भी कई बार दिखाया हुआ है। अगर आप लोगों ने वो प्रीवियस ब्लॉग्स नहीं देखे हैं तो आप लोग यहीं पर देख लीजिए। तो सभी के सभी रिश्तेदार यहाँ पे आकर के इकट्ठे हुए हैं और सभी ने अपने यहाँ पे अम्मा जी को भी याद किया और उनकी बहुत सारी याद भी आई लोगों को, तो वो बहुत ही अच्छे थे। और लेडीज़ सारी ऊपर बैठी हुई थी, जेंट्स सारे नीचे बैठे हुए थे, तो लेडीज़ यहाँ पे साथ में बैठ कर के इकट्ठे गपशप मार रहे थे। तो मम्मी जी और बड़ी मम्मी और नंदे वगैरह जो भी थी यहाँ पे साथ में ही बैठी हुई थी और जो जो भी आया हुआ था हमारे यहाँ फंक्शन में वो सभी लोग यहाँ पे घर पे आए हुए थे और सभी ने एक दूसरे से बात भी की और बहुत अच्छा भी लगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे सभी रिश्तेदारों को खाना वगैरह भी दिया जाएगा, तो वहाँ पे ये धाम वगैरह की तैयारी चल रही थी तो सारा खाना इसी तरह से बनाया गया, छोटे छोटे चूल्हे बनाए गए थे तो इनमें ये बड़े बड़े बर्तन रखे हुए थे, तो ये इस तरह का खाना बना हुआ था, हर एक आइटम खाने में बनी हुई थी। आलू राजमा मद्रा खट्टा मीठा कड़ी और भी बहुत कुछ बना हुआ था मटर पनीर खाने में। तो इस तरह से सारा प्रोग्राम पूरा किया गया। जब सारे विधि विधान से कार्य ख़त्म हो गया तब सभी ने लास्ट में ये भोजन वगैरह इंजॉय किया और यहाँ पे आया हुआ था मेरा भाई भी, तो मेरे मायके वालों में से मेरा भाई ही आया हुआ था। तो इस तरह का रहा हमारा ये प्रोग्राम जो हमने आप लोगों को दिखाया और आप लोगों ने देखा भी होगा और प्रीवियस ब्लॉग्स में भी हम लोगों ने दिखाया हुआ है कि किस तरह से हमने अपना ये मकान बनाया हुआ है, किस तरह की हमारी पशुशाला है। तो
आप लोगों को कैसा लगा ये ब्लॉग बताना ज़रूर हमें कमेंट करके, और बाद में जो जो क्लिप्स रह गए होंगे वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।